यहाँ पे बैठे हुए मेरे मन में एक पुरानी बात आई, 32 साल पुरानी बात है, मई 1991 की बात है। मेरे पिता की शव यात्रा तीन मूर्ति भवन से निकल रही थी, अपनी मां के साथ और अपने भाई के साथ हम एक गाड़ी में बैठे थे। सामने भारतीय सेना की एक ट्रक थी, फूलों से लदी हुई थी, उसके ऊपर मेरे पिताजी का शव था। थोड़ी देर काफिला चला, 5-10 मिनट चला, फिर राहुल कहने लगे मैं उतरना चाहता हूं, तो मां ने मना किया। उस समय सुरक्षा का भी बहुत वो था, तो मां ने कहा नहीं तुम उतर नहीं सकते। राहुल ने जिद की, नहीं मैं उतरूंगा। मैंने मां से कहा मां उतरने दो। राहुल गाड़ी से उतरा, उस सेना की ट्रक के पीछे खड़ा होके चलने लगा और तीन मूर्ति से लेके कड़ी धूप में अपने पिता के जनाजे के पीछे पीछे पैदल चलते 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 यहां पहुंचा। इस जगह से कुछ 400-500 गज दूर यहां पर मेरे शहीद पिता के अंतिम संस्कार मेरे भाई ने किए। सुनिए, वो चित्र मेरे दिमाग में अभी भी है, मेरे मन में है। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था, इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है, उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता, पूरे परिवार का अपमान करते हैं, कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है, लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? मैं पूछना चाहती हूं क्यों?